अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अलीना स्टाइल चैनल। आज हम बनाएंगे शाही चिकन कोरमा। चलिए देखते हैं इसके लिए क्या क्या चाहिए। हमने लिया है 1 kg चिकन, नारियल, 3 से 4 बादाम, काजू, मखाने, ये है धनिया पाउडर 5 से 6 टेबलस्पून, ये है रेड चिली पाउडर, नमक और खशखश। लिया है 1 कटोरी दही, ये यहाँ पे हमने ली है 7 से 8 इलायची, ये ली है काली मिर्च, लौंग और तेज़पत्ता। ये है तली हुई प्याज, यहाँ पे हमने प्याज को तल लिया है और ये सारी चीज़ें इन सबको मिलाकर हम मिक्सी में डालकर पीस लेंगे और इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। लिया है हमने 5 से 6 इलायची, लौंगे और काली मिर्च और दालचीनी स्टिक, इसको हमने दरदरा पीस लिया है। देखिए ऑयल गरम हो चुका है, अब इसमें चिकन डालेंगे, सारे चिकन के पीसेस इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा इसे ऐसे चम्मच से चला लेंगे। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इसमें अदरक का पेस्ट डालने के बाद इसे थोड़ी देर भून लेना है। अब हम इसमें ये पिसे हुए मसाले डाल देंगे और फिर से इसे मिक्स कर लेंगे। पत्ता भी डाल दिया है इसमें। अब नमक, मिर्च और ये जो हमारे पास है या पाउडर, ये सब डालकर मिक्स कर लेंगे। ये यहाँ पर हमने प्याज और ड्राई फ्रूट्स जितने भी थे उन सबको पीस कर पेस्ट बना लिया है और उसमें दही भी मिक्स कर दिया। अब हम इसमें ये भी ऐड कर देंगे। ये देखिए हमारा चिकन लगभग रेडी हो ही गया है। अब इसमें हम डाल देंगे सफ़ेद इलायची पाउडर और इसको अच्छे से चलाकर मिक्स कर लेंगे। साथ ही साथ देखते भी जाएंगे ये सॉफ्ट हुआ है या नहीं। जब तक ये गल नहीं जाता तब तक इसे पकाना है हमें। चिकन यहाँ पर सॉफ्ट हो चुका है, अच्छे से गल चुका है। सफेद इलायची के साथ ही अब थोड़ा सा केवड़ा भी ऐड कर देंगे इसमें और ढककर इसे रख देंगे। देखिए सर्व कर लिया है हमने इसे। तैयार है हमारा शाही चिकन कोरमा।